हबीबी नेटवर्क 2 सब्सक्राइब माय चैनल यूट्यूब। मरने के करीब हो गया, जब करीबुल मर्ग हो गया तो उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि देख बेटा, मैं तो जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकदीर करता रहा, मोहम्मद को झुठलाता रहा, उनसे जंग करता रहा, अगर कहीं ये बात कयामत के दिन आखिरत में अगर सच्ची निकल जाए तो बचने के लिए कुछ तो सामान होना चाहिए, इसलिए मेरे मरने के बाद तुम दोनों मेरे तरफ से 50-50 गुलाम आजाद कर देना। तो उनके भाई ने 50 गुलाम आजाद कर दिया, लेकिन अमर उल आस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बाप आज कितने वाइल मर गया है और मरने से पहले उसने हमें दोनों भाइयों को ये वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों मेरे तरफ से 50-50 गुलाम आजाद कर देना। या रसूल अल्लाह, मेरे भाई ने 50 गुलाम आजाद कर दिया है, तो या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, अगरचे मामला मेरे बाप का है लेकिन नबी के मुकाबले में बाप की कोई हैसियत नहीं हुआ करती है। या रसूल अल्लाह, अगर आप फतवा देंगे तो मैं 50 गुलाम आजाद करूंगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला सुनो, फैसला हो जाएगा कि समाप्त पहुंचता भी है और समाप्त नहीं भी पहुंचता है। आकायर हिस्सा को तस्लीम निशान करवाते हैं, ना उकाना मुस्लिमन फाकत कुमर हो और हजक कुमर हो और सकत कुमर हो, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो उनके तरफ से सबकर तफा करते, उनके तरफ से हज करते, उनके तरफ से तपनी इबादत करते, वाला हो जाने का तो होता, शर्त लगा दिया आका ने, अगर तेरा बाप मुसलमान होता तो सवाब पहुंचता, तेरा बाप मुसलमान नहीं है इसलिए सवाब नहीं पहुंचेगा। तो ये फैसला हो गया कि सवाब पहुंचता भी है और सवाब नहीं भी पहुंचता है, ये तो मुर्दे पे डिपेंड करता है, अगर मुर्दा मोमिन है तो सवाब पहुंचेगा, अगर मुर्दा मोमिन नहीं है तो सवाब नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि ईमान की शर्त है और जब शर्त नहीं पाई जाएगी तो मशरूत भी नहीं पाया जाएगा। उसूल फिक्र का एक फायदा है, इजाफात शर्त पातर मशरूत, जब शर्त पाओ तो मशरूत भी पाओ, इसलिए अगर ईमान है उसके पास, अगर वो ईमान वाला है तो सवाब पहुंचेगा और ईमान वाला नहीं है तो सवाब नहीं पहुंचेगा। तो अजीज आने मिलत इस्लाम का और एक हदीस पाक में है, हजरत साहब रजी अल्लाह तआला के वालदा का इंतकाल हो गया और हजरत साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा का इंतकाल हो गया है, वो अय्यु सदकति अफजल, तो कौन सा सदका अफजल होगा। قال الله تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانی فحفر بھی وقال هذه لام صاد تو حضرت صاد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والدہ کے لیے دعا فرمایا اور جب وہ کنواں تیار ہو گیا تو فرماتے ہیں هذه لام صاد یہ کنواں صاد کی ماں کے لیے ہے تو لام میں یہ جو لام مقصورہ ہے یہ مرفعت کے لیے نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کنواں کا مالک صاد کی ماں ہے ये कुआं साहब की माँ की प्रॉपर्टी है नहीं बल्कि ये जो लेउमिन में नाबे मकसूरा है ये बरकत के लिए है यानी जब तक ये कुआं से लोग सैराब होते रहेंगे इस कुआं से लोग पानी पीते रहेंगे उस वक्त तक साहब की माँ को सवाब पहुंचता रहेगा। तो अजीज आने मिल्लत इस्लामिया हम भी आज अहले सुन्नत वल जमात क्या करते हैं, मेरा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके सिरनी सामने रखकर हम भी यही कहते हैं कि या अल्लाह इसका सवाब फला को पहुंचा दे। तो पता है क्या चला, ये जबान से कहना मौला इसका सवाब तू फला को पहुंचा दे, ये सुन्नत सहाबा है, क्योंकि हजरत साहब ने अपनी वालदा के लिए दुआ करवा कर फरमाया ये दुआ मेरी माँ के लिए है। लोग कहते हैं कि ये लोग फातिहा पढ़ते हैं, ये भी गलत है, फातिहा पढ़ना भी सही नहीं है। आइए मैं आपको मैं बता देता हूँ कि हम अहले सुन्नत वल जमात जो फातिहा पढ़ते हैं इसका भी सबूत हदीस शरीफ से है और ये भी सारे सवाब की एक किस्म है। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी वालदा उम्मे सुलेम ने कुछ चीजें देकर मुझे हुजूर के बारगाह में भेजी जिसमें खजूर दही और भी दीगर चीज थी और उसको लेकर हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सामने रखकर कुछ पढ़ते हैं तो अल्लाह के नबी जब पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, रामायण नहीं पढ़ेंगे, गीता नहीं पढ़ेंगे, महाभारत नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अल्लाह के नबी जब पढ़ेंगे
करेंगे, तो कुरान की आयत पढ़ेंगे, उस जिक्र अज़कार करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, तो इसमें पता क्या चला कि सामना खाना सामने रखकर कुछ पढ़ना ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद कहा कि ए अनस, दस दस सहाबाए किराम को बुलाते जाओ। दस दस सहाबाए किराम आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए, यहाँ तक के 300 सहाबाए किराम ने शिकम जेर होकर यानी पेट भर कर खा लिया। उसके बाद हुजूर फरमाते हैं अनस, ये प्याला उठाओ और घर में जाओ। हजरत अनस फरमाते हैं, जब मैंने उस प्याला को उठाया और उसको हटाया जिससे ढका हुआ था, तो कहते हैं कि वो प्याला नवा न भरा हुआ था, उसमें जरा बराबर भी कमी नहीं थी। तो अजीज आने के नते साबिया, ये है हमारे आका अलैहिस्सलाम का मौजजा। और इस हदीस में ये सबूत मिलता है कि हम अहले सुन्नत वल जमात खाना या पानी या और कोई भी चीज के सामने मत कर उसका कुछ पढ़ते हैं, तो ये मेरे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम की सुन्नत है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना सामने रखकर कुछ पढ़ा है। तो अजीज आने मिलते इस्लामिया, और जो चीज उसमें क्या करते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं और वो चीज हमारे लिए तबर्रुक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग उस तबर्रुक से भी चिढ़ते हैं, उसको भी खाना नहीं चाहते हैं। एक शख्स ने हमसे पूछा कि क्या बात है हजरत, जिस खाने पर पाबंदी कर दी जाती है उस खाने को कुछ लोग नहीं खाते हैं, उससे चिढ़ करते हैं, उससे घबराते हैं। मैंने कहा कि उसका पर्सनल मैटर है, आप उसी से पूछ लीजिए कि क्यों नहीं खाते हैं। कहा कि नहीं हजरत, आप बताइए कि क्यों नहीं खाते हैं। मैंने कहा मैं बताऊंगा नहीं, बुखारी शरीफ के एक हदीस से पाक कर देता हूँ, जवाब जवाब समझना तुम्हारा काम है। उसने कहा ठीक है। तो मैंने पढ़ पढ़ा इन शैताना यस्तहिक्कुत्तामा लम युस्रिसुल्लाह अलैहि, बेशक शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है जिसमें अल्लाह का नाम ना लिया जाए, जिसका अल्लाह का नाम ना लिया जाए वो खाना शैतान के लिए हलाल हो जाता है। और फातिहा में बिस्मिल्लाह क्या, औज़ु बिल्लाह तो क्या, इसे चारों कुल भी पढ़ दिया जाता है, कुरान की आयतें भी पढ़ती जाती है, तो अब इसे शैतान क्या, अगर शैतान का पाप भी खाना चाहे तो नहीं खा सकता है। तो अजीज आने मिल्लत इस्लामिया, आप डिसाइड कर सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं कि जो लोग फातिहा खाने से चिढ़ते हैं, जो लोग तबर्रुक से चिढ़ते हैं फातिहा खाने के तबर्रुक से, वो क्यों चिढ़ते हैं। अजीज आने मिल्लत इस्लामिया, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि और कुछ बयान किया जाए, इसलिए कि अभी हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर हबीबी साहब तशरीफ रखते हैं, इनसे भी आपको समाप्त करनी है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को इन दुआया जुमलों के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए, उनकी कब्र को ताहत निगाह उजाला फरमा दे, और अल्लाह तबारक व तआला अगर उसको किसी तरह का अजाब हो रहा हो तो अपने फजल और करम से उठा ले। मैं अपने गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन।